हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु, सबका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिंग ट्यूब पर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मालूम नहीं रहता कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही टाइप के कार्ड है या बस नाम ही अलग अलग है, या फिर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों कार्ड्स के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यार, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों डेबिट कार्ड थोड़ा ईजी चीज़ है, आप आसानी से समझ जाएंगे, इसीलिए मैं डेबिट कार्ड से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों डेबिट कार्ड आप सिंपली बोल सकते हैं कि एक प्रीपेड कार्ड है। जब आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या फिर जब आपका बैंक अकाउंट होता है, तो दोस्तों बैंक से पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको मीन्स दो तीन ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप विड्रॉल स्लिप से पैसे निकाल सकते हैं, चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, और आपको एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो दोस्तों आप उससे पैसे कैसे निकाल सकते हैं, आप या तो एटीएम मशीन में जाकर पैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी दुकान में शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो POS मशीन रहता है उस पर कार्ड स्वाइप करके आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पैसे उसको पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वही है डेबिट कार्ड यूज करने का तरीका। दोस्तों जो पैसे जो निकलते हैं, दोस्तों जो पैसे डिडक्ट होते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं। दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना हो तो ये कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, ना ही ATM है ना ही POS मशीन। वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। दोस्तों आपका वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सामने वाले को पैसे आप नहीं दे पाएंगे। दोस्तों ये जो सिंपल कंसेप्ट हुआ या डेबिट कार्ड में, इससे तो आपको साफ समझ में आता है कि यार एक प्रीपेड कार्ड है। अगर मेरे अकाउंट में जब तक पैसे हैं ये कार्ड काम कर रहा है, मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हुए तो ये कार्ड मेरे किसी काम का नहीं है। दोस्तों ये कार्ड सीधा सीधे आप बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट के जो पैसे है उसको यूज करके चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम यही बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में यार, तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ है। दोस्तों ये डेबिट कार्ड से लगभग क्या बोला जाए, एकदम नहीं मैच करता दोस्तों, उससे बहुत ही अलग है। दोस्तों इसके नियम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं डेबिट कार्ड के मुकाबले। दोस्तों अगर हम बात करें कि यार ये क्रेडिट कार्ड होता क्या, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक पोस्टपेड कार्ड आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड में दोस्तों क्या होता है कि पैसे जो रहते हैं वो आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होते दोस्तों, और ना ही आपको इसके लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों वो जो बैंक है आपको एक लिमिट देता है 10,000, 20,000, 30,000। वो जो लिमिट रहता है यार, वो डिपेंड रहता है कि आप कितने कमाते हैं, मीन्स आपके पे स्लिप देखकर, या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट पर, कि आपके अकाउंट में कितने पैसे रहते हैं नॉर्मल, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी 80% की आपको लिमिट दे दी जाती है। दोस्तों उस लिमिट में क्या होता है कि यार उस लिमिट में आप पैसे खर्च कर सकते हैं, और वो जो लिमिट में जो आप पैसे खर्च कर रहे हो आपके अकाउंट से नहीं जा रहा, दोस्तों वो बैंक पे कर रहा है। अगर आप किसी मर्चेंट पे या कहीं ऑनलाइन वो कार्ड यूज करते हो तो जो पैसा आप पे कर रहे हैं वो आपके अकाउंट से नहीं कट रहा है, वो बैंक से वो पैसा जा रहा है डायरेक्टली। अगर आप ATM से पैसा निकालते हो तो आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, आपके बैंक वो पे करेगा। दोस्तों याद रखिए, ATM से पैसा निकालने का बहुत ज्यादा चार्जेस लगता है आपका क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड में तो आपको चार्जेस नहीं लगता, हाँ अगर आप 3 या 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा करें तो आपको चार्ज देना पड़ता है, लेकिन दोस्तों ऐसे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस रहते हैं, इसलिए ऐसा मना किया जाता है कि ऐसे ATM में ना यूज करें। दोस्तों अगर उसी के साथ और बात की जाए तो दोस्तों इसका जो बिल होता है दोस्तों, वो हर एक क्रेडिट कार्ड का अपना अलग अलग टाइमिंग होता है, किसी का 40, किसी का 50 दिन बाद। जैसे आप आज कोई शॉपिंग किया आपने, तो इसका जो बिल आया दोस्तों 40 या 50 दिन के बाद आपके मोबाइल पर आ जाएगा, या फिर अगर आपने पोस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है तो आपके घर पर आ जाएगा यार उसका बिल। अब वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग पैसा पे नहीं किया तो बैंक आपके थ्रू एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आप तो समझ गए कि यार ये पोस्टपेड वाला सिस्टम है कि मतलब पहले पैसे यूज करो बाद में उसको फिर पैसे देने। दोस्तों आपने एकदम सही सोचा है, दोस्तों ये पोस्टपेड के ही जैसा है। तो दोस्तों हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्रीपेड और पोस्टपेड भी बोल सकते हैं, या फिर प्रीपेड और पोस्टपेड कार्ड्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यार आपको जैसे डेबिट कार्ड जितनी आसानी से मिल जाता है कि बस आपने अकाउंट खुलवाई, अब जैसे कि मैं भी एक माइनर हूँ, मेरा भी 18 का भी एज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक डेबिट कार्ड है, क्योंकि मेरे पास एक अकाउंट है, एक जूनियर अकाउंट है, जिसमें मुझे 50,000 की लिमिटेशन मिली है मीन्स अकाउंट से ट्रांजेक्शन करने के लिए, और जो इतने अकाउंट में पैसे उसे मैं डेबिट कार्ड से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दिए गए, रीजन ये है दोस्तों क्योंकि ना ही मेरा FD है और ना ही मेरा पास कोई जॉब है या फिर मेरा कोई बैंक बैलेंस है जिसके बेसिस पे मुझे क्रेडिट कार्ड दिया जाए। दोस्तों जाहिर सी बात है, क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोग को मिलता है जिन लोगों के पास पैसे हैं, या फिर जो लोग बैंक को प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ मैं आपका पैसा लौटा सकता हूँ आपको आपका पैसा यूज करने का।
तो यही बात है दोस्तों, डेबिट कार्ड आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड आपको जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के आपके पास पैसे होने चाहिए, ज्यादा पैसे होने चाहिए दोस्तों, ऐसे थोड़े बहुत पैसे से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपके पास 1-2 हज़ार अकाउंट में रहते तो उस पर आप क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, भले आप डेबिट कार्ड से पैसा हैंडल कर सकते हो दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यार आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे दोस्तों। अगर इसके डिटेल में हम चार्जेस के बारे में बात करने लगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार, जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक ध्यान रहे।